Hello friends, welcome to Divyabha Creativity Zone. Thank you so much for all of your support and love. Happy Diwali to all of you. इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि रंगोली बहुत ही इजी तरीके से कैसे बनाते हैं. तो उसके लिए हमें चाहिए इस तरह से न्यूज़पेपर, उसको हम फोल्ड करके और इतना डिस्टेंस लेके हम सर्कल कट करेंगे. ये देखिए इस तरह से कट करेंगे ताकि एक सर्कल बन जाए. और जहाँ रंगोली बनानी है उसे रख देंगे. और अब मैं दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यूज़ कर रही हूँ, सेलो टेप. तो मैं सेलो टेप और न्यूज़पेपर से ये रंगोली बना रही हूँ. और सेलो टेप को इस तरह से रेक्टेंगल के शेप में हम पेस्ट करेंगे जहाँ पे रंगोली बनानी है आपको. ये देखिए इस तरह से. और बीच में एक और रेक्टेंगल बनाएंगे. ये देखिए इस तरह से. बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा. और ये देखिए सेलो टेप पेस्ट हो गया है. अब इसमें आप जो भी आपका पसंद का कलर हो उस रंगोली का आप वो यूज़ कर सकते हैं. मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ. और इस तरह से हम ये मैंने आटे की चलनी यूज़ करी है. आप चाहे तो स्ट्रेनर भी, टी स्ट्रेनर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये चावल से बनी हुई रंगोली है, थोड़ी मोटी है, तो टी स्ट्रेनर मैं यूज़ नहीं कर पाई. बट आप हाथ से भी डाल सकते हो अगर आपके पास ये सब ना हो तो. और अब हम पेपर, न्यूज़पेपर को उठा लेंगे. बहुत ही संभाल के उठाना है ताकि जो हमारा सर्कल है वो एज इट इज़ बना रहे. तो किनारे से जो रंगोली उस पर गिरी है न्यूज़पेपर, उसको हम बीच में सर्कल में गिरा देंगे. ये देखिए सर्कल काफ़ी अच्छा बना है. थोड़ा बहुत इसको हम ठीक कर लेंगे अपने हाथों से. ये देखिए इस तरह से. अब हम जो सेलो टेप लगा है उसको हम निकालेंगे. तो कॉर्नर से उठाना है आपको, याद रखना है. तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कॉर्नर कहाँ पे है. और ये देखिए बहुत ही इजीली निकल जाएगा. ये देखिए और बहुत ही अच्छा शेप आ रहा है, आप देख सकते हो. और इसी तरह हम दूसरा जो रेक्टेंगल है उसका सेलो टेप भी निकालेंगे. ये देखिए इस तरह से. और बहुत ही आसानी से निकल जाता है. और देखिए बहुत ही अच्छा शेप आया है. मैं बीच में एक सर्कल बनाने जा रही हूँ. बहुत ही आसान है, चूँकि ये चावल की रंगोली है या मोस्टली आप आलू की रंगोली यूज़ करते हैं. तो बहुत ही आसानी से ये मैंने बीच में सर्कल बना दिया. अब मैं इसकी रेड कलर से आउटलाइन कर रही हूँ. आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, आपकी पसंद पे है. आप इसकी जगह कीप भी यूज़ कर सकते हैं. और उसके बाद ये देखिए, ये मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ जो मोस्टली कंटेनर में आता है. इससे बहुत ही आसानी से सर्कल गिर जाता है. ये देखिए इस तरह से हम ग्रीन कलर में गिरा रही हूँ. और इसके लिए मैं कंटेनर का स्पून यूज़ किया मैंने. और उसके बाद मैं उंगली से उसको इस तरह से फैला देंगे. बहुत ही ईजी रंगोली है, कोई भी बना सकता है. अब मैं छोटा स्पून यूज़ कर रही हूँ जो हींग की डिब्बे में आता है. और इस तरह से उसको इस ग्रीन सर्कल में मैं येलो कलर डाल रही हूँ. और उसके बाद उसको हम इस तरह से दबा देंगे. और इस तरह से मैं सर्कल बना रही हूँ. और इसमें मैं रेड कलर फिल करूँगी. और ये छोटे स्पून से काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है. और अब मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ. और सेम उसी तरह बड़ा स्पून यूज़ करेंगे और सर्कल की तरह गिराएंगे. और फिर हम फ्लावर बनाएंगे हाथ से. और फिर उसके अंदर मैंने ऑरेंज कलर डाला है और फिर फ्लावर बना रही हूँ. आप देख सकते हैं कैसे बन रहा है. और फिर बीच में मैं रेड कलर डालूँगी. आप देख सकते हैं रंगोली बनाना अब बहुत ही आसान है. और आप इस दिवाली पे अपने घर में रंगोली ज़रूर बनाइएगा. और देखिए इस तरह से हाथ से फैला के आराम से ये देखिए फ्लावर बन जाता है. बहुत ही इजी स्टेप्स हैं. और इसके लिए कुछ भी अलग से हमको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. बस रंगोली का कलर चाहिए और बाकी चीज़ें घर में अवेलेबल हैं.
और अब मैं डेकोरेटिव मिरर्स यूज़ कर रही हूँ, सर्कल और स्क्वायर, ये देखिए इस तरह से, इससे आपकी रंगोली और खिल जाती है और जब आप दिया जलाते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। आप देख सकते हैं कि मिरर लगाने पे ये काफ़ी सुंदर लग रही है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। मिरर्स 5 रुपये दर्जन मिलते हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। हमारी रंगोली तैयार है और आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस दिवाली पे। इस पे जब दिया रखेंगे तो ये इसकी रंगोली और खिल के आएगी और सुंदर लगेगा। और ये आप देख सकते हैं दिया जलाने पे ये रंगोली कितनी खूबसूरत लग रही है और जो इसके मिरर्स हैं वो शाइन कर रहे हैं और एक अलग लुक दे रहे हैं आपकी रंगोली को। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रंगोली पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू।